नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, जैसा कि हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के बारे में, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग अभी तक 5 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। पांचवा चैप्टर था हमारा जनगणना 2011 के जो भी तथ्य थे मुख्य और उनसे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव थे आपके, वो हम लोग देख चुके थे। याद रखिए, जितने भी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी आपके चैप्टर खत्म हो गए हैं, वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है उसी में डले हुए हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जनजातियों के बारे में। भारतीय संविधान में आदिवासियों को जनजाति से संबोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू आदि जनजातियां निवास करती हैं। इसके अलावा प्रदेश में खरवार व माहीगीर जनजातियां भी यहाँ निवास करती हैं। प्रमुख प्रदेश की प्रमुख जातियां जनजातियों का विवरण इस प्रकार है। थारू पहली है, थारू जनजाति। निवास स्थान की बात करें तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और तराई क्षेत्र में निवास करती है। इसकी उत्पत्ति और वंश की बात करें तो एक किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों द्वारा अनेक संभावनाएं व्यक्त की गई। कुछ विद्वानों के विचार से थार का तात्पर्य होता है मदरा, या थारू का अर्थ होता है मदिरापान करने वाला। चूंकि ये मदुरा मदिरा का सेवन पानी की तरह करते हैं, अर्थात थारू कहलाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि थारू जाति के लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे, अतः थारू इसलिए इन्हें कहते हैं। ठीक। फिर शारीरिक गठन की बात करें तो थारू जाति के लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियाँ कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। इसमें इनकी वेशभूषा की बात करें, वेशभूषा की थारू पुरुष लंगोटी की भांति धोती लपेटते हैं, बड़ी चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है। थारू स्त्रियां रंगीन लहंगा और ओढ़नी चोली बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण प्रिय है, शरीर पर गुदना गुदवाना भी इन्हें रुचिकर लगता है। आवास और इनके ग्रह की बात करें तो थारू जाति के लोग अपना घर मिट्टी और ईंट का नहीं बनाते हैं। इनके मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके मकान उत्तर दक्षिण की ओर होते हैं और द्वार पूर्व की ओर होता है। इनके मकान में कई कमरे होते हैं, घर में एक पूजा घर भी होता है इनका। फिर भोजन की बात करें, इनके भोजन में थारुओं का भोजन मुख्य रूप से चावल है, मछली, दाल, गाय भैंस का दूध, दही तथा जंगल से आखेट किए जंतुओं का मांस भी खाते हैं। ये सुअर और मुर्गी पालते हैं और उनका मांस व अंडे भी प्रयोग करते हैं। इनके भोजन का समय निर्धारित होता है, समय अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं, जैसे कलेवा प्रातः काल नाश्ता है इनका, मिजनी दोपहर का भोजन, बेरी शाम का भोजन। थारू लोग मांस और मदिरा का प्रयोग खूब करते हैं। मदिरा थारुओं का मुख्य पेय है जिसे वे सभी शुभ अवसर पर खूब पीते हैं। ये चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा स्वयं बनाते हैं। इनके पारिवारिक व्यवस्था की बात करें तो थारू जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा है। नेपाल की तराई में अनेक ऐसे थारू मिलते हैं जिनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या 500 तक होती है। परिवार का वृद्ध व्यक्ति ही संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य सौंप देता है। फिर वही व्यक्ति उस कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं। कार्यों में एक पखवाड़े के बाद परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे कार्यों के प्रति सरसता बनी रहे। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार पारिवारिक जीवन की प्रथा है। यहाँ सास बहू, भाई बहन, माँ बेटी, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, ननद भावज और देवर भौजाई की वह पक्षीय अर्थात कटु एवं मधुर संबंधों का आकर्षक रूप दिखाई देता है। इनके विवाह प्रथा की बात करें तो थारुओं की विवाह प्रथा अत्यंत विचित्र है। इनमें वर पक्ष की ओर से किसी मध्यस्थ व्यक्ति द्वारा विवाह की बातचीत चलाई जाती है। अधिकांशतः इन लोगों में विवाह फाल्गुन माह के फागुन से भी बोलते हैं।
फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होते हैं, किंतु कुछ लोगों के विवाह वैशाख शुक्ल में भी होते हैं। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी, परंतु अब कम होती जा रही है। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पीढ़ी कहते हैं। इस समय दोनों पक्षों में एक समझौता होता है जिसके अंतर्गत वर पक्ष के लोगों को एक निश्चित मात्रा में चावल दाल इत्यादि वधु पक्ष वालों को उस समय तक देना पड़ता है जब तक कि वर वधु का विवाह नहीं हो जाता। थारू लोग अपनी बारात गांव के बाहर चप्पेदार खेतों में ठहराते हैं। द्वारचार के समय लड़के लड़की के पिता को एक अंगोछे से बांध दिया जाता है, फिर 20 तक गिनती पढ़कर छोड़ देते हैं। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। यदि कोई विवाहित लड़की जिसका गौना ना आया हो अथवा उसका पति मर गया जाए तो उसका पिता उसे किसी के घर भेज देगा और बिरादरी को एक भोज देगा। इस प्रकार के विवाह भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं। यदि किसी विवाहित स्त्री का पति जिसका गौना हो चुका हो मर जाता है तो उस लड़की के ससुराल वाले किसी युवक को खोज कर लाते हैं और घर के बाहर लड़की को उसके लड़के उस लड़के और लड़के को लड़की की पोशाक पहना देते हैं। तदुपरांत लड़की आगे आगे और लड़का उसके पीछे पीछे अपने मकान में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इनके धर्म की बात करें थारू जनजाति के, थारू हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवताएं होते हैं, भूत प्रेत जादू टोना इत्यादि में विश्वास भी करते हैं लोग। ये देवी काली को अधिक मानते हैं। भैरव और महादेव भी इनके आराध्य देव हैं। इनका शिवलिंग पत्थर का ना होकर बांस का होता है। ये रामकृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारुओं के अनेक छोटे छोटे देवी देवताएं भी हैं होते हैं। ये पीपल की पूजा करते हैं। इनके अतिरिक्त वे कहीं कहीं गाय बंदर सांप की भी पूजा करते हैं। इनके त्यौहार की बात करें हम लोग थारू जनजाति के, थारू जनजाति के लोग हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। मकर संक्रांति हो, होली हो, फिर कन्हैया अष्टमी हो जिसे जन्माष्टमी बोलते हैं, दशहरा हो, बजहर हो, थारुओं के मुख्य त्यौहार हैं। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पीकर गाते हैं तथा साथ साथ नशे में मस्त होकर नृत्य करते हैं। होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिन तक लगातार मनाया जाता है। इनमें इस पर्व के अवसर पर रंग अबीर का खुलकर प्रयोग होता है। वजहर नामक त्यौहार ज्येष्ठ अथवा वैसाख के दिनों में होता है। उस दिन गांव की समस्त स्त्रियां गांव छोड़कर खाना बनाने के आवश्यक सामान के साथ समीप के किसी ऐसे स्थान पर चली जाती हैं जहाँ पीपल अथवा बरगद का पेड़ होता है। उस स्थान पर वे सभी खाना बनाती हैं। इसके बाद भोजन का पूजा पाठ और नृत्य संगीत का आदि कार्यक्रम होता है। पुरुष भी वही भोजन इत्यादि करते हैं, लेकिन रात्रि के समय उनका वहाँ रहना वर्जित होता है, जबकि स्त्रियाँ रात में वहीं रहती हैं। ठीक है, रात्रि में। मकर संक्रांति और दशहरा का पर्व थारू लोग बड़े उल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति को प्रातः जल्दी सोकर उठते हैं तथा नदी या तालाब में स्नान आदि कर एक दूसरे को प्रणाम करते हैं। दान पुण्य आदि भी किया जाता है। इस दिन थारू खिचड़ी खाते हैं तथा शराब का उसके साथ सेवन करते हैं। रात्रि में नृत्य आदि होता है। दशहरा का पर्व कुछ क्षेत्रों में कुंवार माह में मनाया जाता है। दोज के दिन ये लोग मकई और जौ मिलाकर किसी मिट्टी के बर्तन में बोकर रख देते हैं। जब वह उग जाता है तब अष्टमी के दिन देवताओं पर चढ़ाते हैं तथा नवमी के दिन जानवरों को खिलाते हैं। तदुपरांत इन जानवरों की बलि दी जाती है। बलि का गोश्त थारू लोग अपनी परिचितों व रिश्तेदारों में बांटते हैं। सभी लोग मिलजुल कर गाना बजाना नृत्य करते हैं तथा शराब पीते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें हम लोग थारू जातियों की, थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दाल तिलहन गेहूं की भी कृषि करते हैं। प्रत्येक थारू परिवार सब्जियां स्वयं उगाता है। सब्जियों में आलू बैंगन सेम चिचड़ा भिंडी अरई गोभी मूली शलजम टमाटर प्याज लहसुन आदि प्रमुख हैं इनके। इनके अन्य व्यवसायों में पशुपालन लकड़ी ढुलाई लकड़ी कटाई शिकार वन भूमियों से लकड़ी जड़ी बूटी जल फूल एकत्रित करना आदि कुटीर उद्योग हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियां भी करने लगे।
भारत तथा उत्तर प्रदेश सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक व आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। इस हेतु अनेक योजनाओं को भी इन्होंने शुरू किया है। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु स्थापित है। याद रखना इसे, लखीमपुर जनपद में। यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उच्च सरकारी पदों पर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के प्रसार से इस जनजाति के लोग सांस्कृतिक चेतना आई है और इनका जीवन सुधरा है। फिर है बुक्सा। बुक्सा जनजाति, इनका निवास स्थान है बुक्सा अथवा भोक्सा जनजाति का। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटे छोटे ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। उत्पत्ति और शारीरिक गठन की बात करें तो अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने से संबंध रखती है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है। बुक्सा जनजाति के लोगों का कद आंखें छोटी होती हैं, उनकी पलकें भारी और चेहरा चौड़ा, नाक चपटी होती है। कुल मिलाकर इनका संपूर्ण चेहरा ही चौड़ा दिखाई देता है। जबड़े मोटे निकले हुए तथा दाढ़ी और मूछ घनी और बड़ी होती है। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाक नक्श स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। पुरुषों में श्याम वर्ण के लोग मिलते हैं, जिनके शारीरिक लक्षण हिंदुओं की नीची जातियों के लोगों से मिलते हैं। इनकी भाषा की बात करें बुक्सा की, बुक्सा के लोग प्रमुख रूप से हिंदी भाषा बोलते हैं। इनमें जो लोग लिखना पढ़ना जानते हैं वे देवनागरी लिपि का उपयोग करते हैं। इनके भोजन की बात करें तो इनका भोजन मुख्य रूप से मछली व चावल है। इसके अलावा ये लोग मक्का, गेहूं की रोटी, दूध दही का प्रयोग करते हैं। इन लोगों में बंदर गाय मोर का मांस खाना वर्जित होता है। मद्यपान पुरुषों की सामान्य आदत है। अब इनके वेशभूषा की बात करें, वेशभूषा की तो बुक्सा पुरुषों की वेशभूषा में धोती कुर्ता सदरी और सिर पर पगड़ी धारण करते हैं। नगरों में रहने वाले पुरुष गांधी टोपी, कोट, ढीली पैंट, चमड़े के जूते, चप्पल आदि पहनते हैं। स्त्रियां पहले गहरे लाल, नीले या काले रंग की छींट का ढीला लहंगा पहनती थी और चोली अंग्रिया के साथ ओढ़नी सिर पर पहनती थी। लेकिन अब स्त्रियों में साड़ी, ब्लाउज, स्वेटर एवं कार्डिगन का प्रचलन सामान्य हो गया। यह राजस्थानी मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर इडरी के द्वारा ऊंचा जोड़ा बांधती हैं, जिसके ऊपर उनकी रंगीन ओढ़नी एक विशेष प्रकार से पड़ी हुई होती है। हिंदी फिल्मों की नकल कर लड़कियों अब केश सज्जा में नई नई शैलियों का प्रयोग करने लगी हैं। विवाहित स्त्रियां हिंदू उच्च जाति की स्त्रियों को भांति माथे पर सिंदूर की गोल बिंदी अवश्य लगाती हैं और हाथों में कांच की चूड़ियां पहनती हैं। बुक्सा जनजाति की सामाजिक संरचना की बात करें हम लोग तो बुक्सा जनजाति चार सामाजिक वर्गों में बटी है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। इसके बाद क्रमशः क्षेत्रीय बुक्सा, अहीर बुक्सा और नाई बुक्सा का स्थान है। हिंदू जातियों के समान ही ये अंतर्विवाही समूह के होते हैं, परंतु हिंदू समाज में से भिन्न होते हैं, क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है जो पत्नी पत्नी में से कोई कोई भी किसी समय भी भंग कर सकता है। गांव में प्रत्येक जाति के बुक्सा बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहते हैं तथा गांव में सहयोग और भाईचारे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं ये लोग। गोत या गोत बुक्सा समाज की व्यवहारिक मूल सामाजिक इकाई है। इलियर ने बुक्सा समाज को 15 गोतों में विभाजित किया है। ठीक है, बात करेंगे हम लोग बुक्सा समाज के व्यवहार की। तो बुक्सा लोगों में हिंदुओं के समान ही अनुलोम और प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है। साथ ही अंतर जातीय विवाह अधिकांशता होते हैं। परिवार अथवा विवाह का रूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश संयुक्त अथवा विस्तृत परिवार हैं, साथ ही केंद्रीय परिवार भी हैं। अब धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। परिवार पितृसत्तात्मक पितृवंशीय हैं। इन लोगों में हिंदू समाज की भांति पत्नी विवाह के उपरांत पति के घर जाकर रहती है। वर्तमान में इनमें घर जमाई व्यवस्था बढ़ रही है। इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, बहुपति प्रथा नहीं, याद रखिए। विधवा विवाह भी प्रचलित है इनमें। तलाक सरलता से हो सकता है इनमें। पूर्व वैवाहिक
तथा अतिरिक्त वैवाहिक यौन संबंधों में वृद्धि हो रही है। व्यक्तिवादी विचारधारा विकसित हो रही है जो नई चेतना, नई शिक्षा, जागृति तथा सामुदायिक विकास का परिणाम है। धर्म, इनका बुक्सा का आदिवासियों में धर्म का पारंपरिक रूप हिंदू धर्म का ही विधि रूप है। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, रामकृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चौमंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। इनके व्रत व त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्यौहार हैं। ग्राम देवी की पूजा पवित्र धान पर गांव के बाहर होती है। प्रकृति पूजा दीप का रूप भी हिंदू धर्म के समान होता है। उनके साथ साथ जन्म से मृत्यु तक प्रत्येक के संस्कार हिंदू के समान होते हैं, हिंदुओं के। ठीक है, यानी कि राजनीतिक हम लोग संगठन की बात करें तो बुक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत का एक मुख्य आदिवासी राजनीतिक संगठन है जो बुक्सा समाज में न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। बिरादरी पंचायत चार स्तरों में बटी है जिसमें सर्वोच्च अधिकारी होता है तखत, मुंसिफ, फिर दरोगा और सिपाही नामक, चार स्तर सम्मिलित हैं। इन सभी के अधिकारी वंशगत होते हैं, इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखते हैं। गांव की पंचायत में तीन स्तर होते हैं, सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया। एक क्रम सा न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष और गांव का मुखिया होता है। ये सभी ग्राम प्रशासन के लिए कटिबद्ध होते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो बुक्सा आदिवासियों के गांव में प्रयाग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को भाबर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्षेत्र हरा भरा उपजाऊ भूमि और स्वास्थ्यकर जलवायु का क्षेत्र है। यहाँ बुक्सा लोग धान की खेती करते हैं। इसके साथ साथ गन्ना, मक्का, गेहूं, चना तथा लाह सरसों भी उगाते हैं। कृषि के अतिरिक्त बुक्सा जनजाति के लोग गाय, भैंस, बकरी पालते हैं जिसका दूध भी उपयोग किया जाता है इनके द्वारा। ये लोग नौकरी करना पसंद नहीं करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी लोहे का काम, मकान बनाना, डलिया बुनना, मछली पकड़ने के जाल बुनना, बर्तन बनाना जानते हैं, परंतु उनकी यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा जनजातियों के आर्थिक उद्धार हेतु चलाई गई विभिन्न योजनाओं से इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। फिर है आपका महागीर जनजाति। इनका निवास क्षेत्र की बात करें तो महागीर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में, जिले की नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। ये लोग नजीबाबाद के अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवारा, धारानगर में भी निवास करते हैं। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो माहीगीर जनजाति मछुआरे तथा उन्हीं से अपना संबंध बताते हैं। महाभारत में भी इन जातियों के होने का उल्लेख मिलता है। इनकी भाषा और बोली की बात करें तो महागीर आदिवासी एक विशेष प्रकार की बोली बोलते हैं जो खड़ी बोली से मिलती जुलती है। इन लोगों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम है। धर्म की बात करें महागीर की तो इन जनजातियों के लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। मस्जिदों का उपयोग नमाज पढ़ने के लिए करते हैं। इन लोगों में सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच कम पाई जाती है। विवाह की बात करें तो माहीगीर जनजाति अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। विवाह के रीति रिवाज मुस्लिम और तौर तरीके से संपन्न होते हैं। भोजन की बात करें तो राजी आदिवासी मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार कर उनके मांस प्रयोग भोजन हेतु करते हैं। ये लोग नीच जाति के लोगों का छुआ हुआ भोजन नहीं करते हैं। इनके परिवार के सभी सदस्य चौके में एक साथ भोजन करते हैं, साथ साथ स्प्रिट का प्रयोग शराब के रूप में करते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। हालांकि परंपरागत साधनों में से मत्स्य आखेट के कारण इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस कारण कुछ लोग मजदूरी व रिक्शा चलाने का भी कार्य करते हैं। यह कृषक श्रमिक के रूप में भी काम करते हैं। महागीर जनजाति के अधिकांश सदस्य एक ही कार्य करते हैं। हालांकि महागीर मछुआरों का जीवन व्यतीत करते हैं, फिर भी इन्हें अपने आपको मछुआरे कहलाने पर आपत्ति होती है। ये नगरों के पास स्थित तालाबों में मछली पकड़ने का काम करते हैं।
लेकिन अब नगरों का विकास होने के कारण तालाबों के नष्ट हो जाने से इन लोगों का मछली पकड़ने का अधिकार भी लगभग समाप्त हो गया है। इस कारण इनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें इनके, तो माहीगीर जनजाति का सामाजिक संगठन अति सरल है। ये लोग संगठित समाज के रूप में रहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये स्वयं साधन उपलब्ध करते हैं। अपराध करने की प्रवृत्ति उन लोगों में कम पाई जाती है। इनके समाज में पंचायतों का विचलन है। नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की इकाइयाँ होती हैं, जिसमें बादशाह तथा वजीर विभिन्न मामलों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बादशाह और वजीर के वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। पंचायत में निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं, जिसका सभी आदर करते हैं। इन जनजातियों में शिक्षा का काफ़ी अभाव है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी आधुनिक उपचार को अपनाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार एवं विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं इनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं। फिर है हमारी खरवार। कौन सी? खरवार जनजाति। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में खरवार जनजाति का निवास है। इनका मूल क्षेत्र है बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र। खरवार 11वीं से 12वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त थे। इनका पतन मिर्जापुर के दक्षिणी भाग में चंदेल राजाओं द्वारा सन 1203 में किए गए आक्रमणों के उपरांत हुआ है। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो खरवार आरंभ में ही शिकारी जनजाति थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे। कुछ लोग इन्हें बिहार में सोन घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। वर्तमान में इस जाति के लोगों की आर्थिक दशा काफ़ी ख़राब है, इस कारण इन्हें जनजातियों की क्षेत्र श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इनकी उपजातियों में सूरवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मोंगती, मोजयाली, गोंजू, आर्मिया आदि हैं। ये शरीर में खूंखार व बलिष्ठ होते हैं। इनकी स्त्रियाँ भी पुरुषों की भांति हिम्मती और बहादुर होती हैं। भाषा की बात करें इनकी बोली की, तो विभिन्न स्थानों पर रहने वाले खरवार की भाषा व बोली स्थानीयता का प्रभाव परिलक्षित है होता है। इनकी बाड़ी में कर्कशता अधिक देखी जाती है। किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं ये लोग। प्रमुख रूप से खरवार जनजाति के लोग अनुनासिक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, जिसमें रे, तौर, मोर, केकर, ओकर आदि शब्दों का भी उपयोग होता है। वेशभूषा की बात करें तो खरवार जनजाति के लोग साधारण टीहुन धर तक धोती, वंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा स्त्रियां साड़ी पहनती हैं। इनके आभूषण में हिकल, हसुली, बाजूबंद, कड़ा, नथिनी, वरेखा, गुरिया या मूंगा की माला आदि मुख्य हैं। इनके धर्म की बात करें तो खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करती है। ये लोग बागोस, घमसान, वनसंती, दूलादेव, गौरिया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवताओं की के अलावा वृक्षों में सेमल, पीपल, नीम, जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। इसकी स्त्रियां टोना करने में बड़ी दक्ष होती हैं। ठीक है, पर्व की बात करें इनकी, तो इनके पर्व हैं खरवार के। जीवित पुत्तिका, अत्यंत चतुर्दशी, नवरात्रि, होली आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं लोग। इन पर्वों पर नाचते गाते हैं, कर्मा का आयोजन करते हैं। इन अवसरों पर मदिरापान भी विशेष रूप से करते हैं लोग। भोजन की बात करें तो खरवार जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। मुख्यतः गेहूँ व चावल का प्रयोग भोजन में करते हैं लोग, लेकिन उत्सव के अवसर पर पशुओं का मांस खाते हैं और मदिरापान भी करते हैं। शेर, भालू, चीता, सुअर आदि का शिकार कर मांस खाते हैं लोग। इनकी अर्थव्यवस्था की बात करें हम लोग, प्रारंभ में खरवार जनजाति के लोग जंगलों पर आश्रित थे, लेकिन प्रदेश सरकार की वनों की विशेष सुरक्षा की नीति के कारण अब इनके लिए वनों की लकड़ी काटना निषेध कर दिया गया। अब ये लोग जंगल में दातुन, पत्ता, लकड़ी तक नहीं काट पाते। वर्तमान में इनके पास कृषि भूमि है ना ही कोई उद्योग धंधा, अतः इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ता है। ठीक है, भीख मांगने के लिए।
कुछ स्थानों पर इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। फलस्वरूप इनमें शिक्षा भी नाममात्र की ही हो पाई है, क्योंकि अपनी गरीबी के कारण ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज ही नहीं पाते। इनके बच्चे गाय बैल चराने, बीड़ी पत्ता तोड़ने, लकड़ी काटने का काम करते हैं। सदियों से शोषित रहने के बाद खरवार जनजाति की आर्थिक दशा और दयनीय भी हो गई है। सरकार इनके आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। थारू कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। थारू जाति के लोगों के मकान लकड़ी के लट्ठों और नरकुलों के द्वारा बनाए जाते हैं। थारुओं का मुख्य भोजन चावल है। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है। थारू जनजाति के लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। थारुओं की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने में संबंध रखती है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग धान की खेती करते हैं। महागिर आदिवासी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नाजीबाबाद क्षेत्र में निवास करते हैं। माहीगीर जनजाति का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में खरवार जनजाति निवास करती है। खरवार जनजाति मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानती है, याद रखिए। अब इनके हम लोग बात करते हैं प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं और इन्हीं से लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बुक्सा जनजाति की पंचायत प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। तो आपको याद रखना है तखत, क्या कहलाता है, तखत। दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो याद रखना थारू। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूत का वंशज मानती है, तो आपको याद रखना है बुक्सा। क्वेश्चन नंबर चार, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है, जनजाति है और ये तथ्य हैं। तो चार का आपका होगा बी, यानी कि उल्ट हवा, ये होगा आपका थारू की एक उपजाति, बुक्सा मालगति नामक बधु मूल पिछले, माहीगिर ये होगा कत्थे के व्यापारी, खरवार सॉरी महागिर है जो ये होगी माहीगिर, ये मुस्लिम धर्म को मानने वाली है, ठीक है, याद रखिए। खरवार कत्थे के व्यापारी, ठीक है, याद रखिए। मेरी तरफ से हर संभव कोशिश रहती है कि आपको सही आंसर बताया जाए जहाँ भी जो हो, लेकिन अगर गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जिससे दूसरा भी सही आंसर जान सके। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सम्मिलित नहीं है, पाँचवा क्वेश्चन, तो याद रखिए इसमें सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें होगा तख्त, बुक्सा जनजाति का भगवान नहीं है, रासो जौनसारी जनजाति का नृत्य, सूरजवंशी खरवा जनजाति की उपजाति है, लठ भरवा भोज थारुओं का विवाह भोजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः, माही गिर जनजाति के लोग मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं, तो याद रखना बिजनौर में, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सात, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति खरवा जनजाति की उपजाति नहीं है, तो याद रखना बनरौत, पटबंदी है, मोजयाली है, गोंजू है, बनरौत नहीं है, डी ऑप्शन है सात का। क्वेश्चन नंबर आठ, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई, तो याद रखिए लखीमपुर खीरी। क्वेश्चन नंबर आपका नौ है, रे मोर तोर केकर ओकर आदि अनुनासिक ध्वनियाँ वाले शब्दों का उपयोग निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो याद रखना खरवार। क्वेश्चन नंबर टेन, दसवां, बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक के रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो याद रखिए पीपल की। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, थारू जनजाति में वर एवं वधु पक्ष की तरफ से विवाह तय करने के लिए जाने को क्या कहते हैं, तो याद रखना है पक्की पोड़ी, पोड़ी, ठीक है, बी ऑप्शन है ग्यारह का। क्वेश्चन नंबर बारह,
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करती है, पाई जाती है, तो याद रखिए गोरखपुर में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं, याद रखिए 13 का होगा डी जाड़। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है, तो याद रखना है आपको 14 में आपका होगा बी तराई। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली बुक्सा जनजाति निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं की पूजा करती है, तो याद रखना इन सभी की, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, महादेव, ठीक है सभी की। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, तो इसमें होगा आपका 16 में भी भील नहीं पाई जाती, ठीक है, भूटिया पाई जाती है, बुक्सा, जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किससे कौन सा सम्मिलित है, सही सम्मिलित है, तो याद रखिए बुक्सा, बिजनौर सम्मिलित। क्वेश्चन नंबर 18, याद रखिए 17 का भी है, 18 है, वेगा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है, तो 18 में होगा आपका सोनभद्र, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई, तो याद रखना 86-87 में, 1986-87 में, आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो याद रखिए माही गिर, ठीक है। 21 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है, तो याद रखना है आपको यह हुई जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 22, करमा किस जनजाति का नृत्य है, तो याद रखिए खरवार का। क्वेश्चन नंबर 23, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जनपद में निवास करती है, तो 23 में होगा आपका ए बिजनौर। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा 24, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया, तो आपको याद रखना है 2003 में, डी ऑप्शन है 24 का। 25, निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है, तो याद रखना थारू। क्वेश्चन नंबर 26, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास पाई जाती है, तो आपको बता देना है ललितपुर में, सी ऑप्शन है 26 का। 27 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो याद रखना थारू, 27 का आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 28, माघ, खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली आदि त्यौहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, याद रखना थारू, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है, तो होगा आपका माही गिर। 30 क्वेश्चन, थारू जनजाति में दोपहर का भोजन क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है मिजनी। क्वेश्चन नंबर 31, थारू जनजाति में शिवलिंग बना होता है, तो याद रखना है बांस का, क्वेश्चन नंबर 31 का डी है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, बुक्सा जनजाति का मुख्य भोजन क्या है, तो याद रखिए मछली और चावल, यानी कि ए बी दोनों सही हैं, डी ऑप्शन है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, माही गिर जनजाति ने किस धर्म को अपना लिया है, तो याद रखना 33 में होगा आपका बी इस्लाम धर्म को। क्वेश्चन नंबर 34, खरवार जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, तो याद रखना है गेहूं और चावल, यानी कि डी ऑप्शन है इसमें। कौन सी जनजाति के लोग रिक्शा चलाने का काम भी करते हैं, 35 का होगा बी माही गिर, ठीक है। तो ये था हमारा जनजातियों से संबंधित चैप्टर। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कृषि देखेंगे हम लोग, ठीक है।